पौड़ी जिले में जल जीवन मिशन के तहत ग्राम सभा धनाऊ में चल रहे काम की गुणवत्ता पर ग्राम प्रधान और प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष कमल रावत ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने सीएम पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की है। मामले में कार्रवाई न होने से नाराज प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष कमल रावत ने जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कमल रावत का कहना था कि उनकी ग्राम सभा में जल जीवन मिशन के तहत बिछाई जा रही पाइपलाइन में गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने सीएम पोर्टल पर शिकायत की, लेकिन संबंधित विभाग ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए उन्होंने सीएम के नाम का ज्ञापन सौंप कर जल्द कार्रवाई की मांग की है। पौड़ी से मुकेश बचेती की रिपोर्ट। पूरे भारत उसमें जहां मोदी जी भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाए बैठे हैं, वहीं जो निचले स्तरीय कर्मचारी यहां पे जो पौड़ी जनपद की मैं एक विभाग की बात करूं जल संस्थान में 1905 पे हम शिकायत करते हैं। माननीय सीएम साहब का जो पोर्टल है जिसमें शिकायतों का निराकरण किया जाता है, तो मुझे लगता नहीं कि अगर ऐसे ही निराकरण किया जाता होगा तो ये धरातल ऊंट के मुंह में जीरे वाली जो बात है वो सिद्ध साबित होती है जल संस्थान के अधिशासी अभियंता के विभाग के द्वारा। अब मैं प्रकरण बता दूं अपने ग्राम सभा का कि मेरी ग्राम सभा में हर घर नल और नल में जल के तहत कार्य किया जा रहा है। संबंधित ठेकेदार द्वारा काम किया गया जो कि गुणवत्ता के आधार पे नहीं किया गया है। मैंने कई बार इनको कहा है कि जो आपके 50 mm के जो पाइप है पूरे 50 के 50 आप इस वाली लाइन पे लगवाए जिससे हमारे लिए गाँव में सहूलियत हो। ठेकेदार मुख्यमंत्री जी के लिए और उसमें जल जीवन मिशन से संबंधित कुछ शिकायतें या कुछ समस्याओं को उसमें लिखा गया, में एक्सएन के स्तर से जो भी आवश्यक कार्रवाई वो भी की जा रही है। ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को भेजा।